अपनी माँ की पार्थिव शरीर के साथ जय विलास पहुँची सिंधिया की आंखें नम थी। इस दौरान सिंधिया वहाँ मौजूद लोगों को साइड हटने को कह रहे थे। माधवी राजे सिंधिया के पार्थिव शरीर के ग्वालियर पहुँचने से पहले ही महल में काफी भीड़ थी। लोग राजमाता को अंतिम विदाई देने के लिए बैठे थे। हर कोई गमगीन था और राजमाता माधवी राजे सिंधिया के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था। फिलहाल माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इस दौरान ग्वालियर वाले उन्हें अंतिम विदाई देंगे। लगभग 3 घंटे महल में रहने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार वाले स्थान पर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली के एम्स में राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया था। वो काफी लंबे वक्त से बीमार थी, उनका एम्स में इलाज चल रहा था। बुधवार को ही माधवी राजे सिंधिया के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित सरकारी आवास में रखा गया था, जहां कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।